भैया एक नंबर छोले कुलचे बनाते हैं भैया। तो ये 15 साल हो गए खाते। हमारे छोले में कोई घी तेल साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम रखा है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई मैं इस समय खाने आ रखा हूँ बीघा कुलचा, जो पंजाब में बड़ा ही फेमस है। तो भाई मैं इस समय लुधियाना में नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ, वो भी सुभाष नगर छतरियल पार्क में। इनका बीघा कुलचा खाना है भाई। यहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग तरीके की चीजें मिलती है, जैसे तवा भटूरा ले लो, अमृतसरी कुलचा ले लो, बीघा कुलचा ले लो। भाई इनका दावा है अगर आप छोले में घी और तेल साबित कर देते हैं तो आपको दिया जाएगा 5 लाख रुपए का नाम। सही सुना, 5 लाख रुपए का। भाई अभी तक तो कोई माइकल हल पैदा हुआ नहीं जिसने भाई सही में साबित कर दिया और 5 लाख रुपए जीत चुका। एक बार मैं टेस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि सही में मैं 5 लाख रुपए जीत पाऊंगा कि नहीं। तो चलो एक बार बीघा कुलचा बनवाते और ट्राई करते हैं कि भाई छोले में तेल और घी है कि नहीं। तो चलो वीडियो में बने रहने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने नहीं कर रखा फटाफट जाके लाइक कर दो और शेयर कर दो। प्याज छोटा सा डालो, पैसा नहीं तुम दे रहा हूं, थोड़ी सी हल्की सी चटनी डालो, पैसा नहीं तुम दे रहा हूं, एक चम्मच दे दो। अंकल मैं देख रहा हूँ खाली छोले छोले खा रहे हो, कुलचे के साथ में खा रहे। ऐसे है भाई साहब, ये इसलिए टेस्ट कर रहा क्योंकि मैं इनको पकड़ना चाहता हूँ कि इसमें तेल घी कुछ है तो मैं 5 लाख रुपए का इनाम जीतूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी 65। 65 साल की। और आप कब से खाते हुए आ रहे हो? ये 15 साल हो गए खाते। और 15 साल से अभी आप प्रूफ नहीं कर पाए? अभी तक नहीं प्रूफ का है, तेल मसाला कुछ भी नहीं है इसमें, जो चीज ये जेन्युइन डालते हैं वही है इसमें, वही टेस्ट है। आज 15 साल से खा रहा हूँ ठीक है, और मेरे को छोले थोड़ा इसीलिए ले रहा हूँ इसमें घी और तेल देखने के चक्कर में। और आपको कब लगता है कि आप कब प्रूफ इनको कर पाओगे भाई? जब डालेंगे तो प्रूफ मैं क्या कर पाऊंगा। तो आपको नहीं लगता 5 लाख रुपए जीत पाओगे? जीतते हैं वो तो सही, क्या मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अच्छा बताओ आपको यहाँ के छोले कुलचे कैसे लगते हैं? भैया एक नंबर छोले कुलचे बनाते हैं भैया, हमारा डेली मैच होता संडे। अच्छा ठीक है, वहाँ से सीधा नहीं आते हैं। और आपसे 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आप इनका बीघा कुलचा खा रहे हो, अमृतसरी कुलचा खा रहे हो? अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा बढ़िया है। बीघा कुलचा से नहीं खाता, थोड़ा 8 घंटे होते हैं यार, थोड़ा जाएंगे इसलिए। अच्छा नंबर भाई, चलो अब हम भी टेस्ट करते हैं, सही में देखते सही में बढ़िया है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप टेस्ट करो भाई, जरूर आओगे दोबारा। बिल्कुल आराम से गर्मा गर्म छोले हुए बिना घी बिना तेल के। हमारे बीघा कुलचा बनने लग रहा है। ये जी छोले हैं, लो जी कुलचा डिप हुआ। ओए होए होए, गर्मा गर्म छोले। इसको 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में, 2 मिनट बाद रेडी हो जाएगा। 2 मिनट में आज के टाइम में मैगी नहीं बनती, पक्का 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा। 5 लाख वाला क्या इनाम है? हमारे छोले में कोई घी तेल साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम रखा है। अभी तक किसी ने साबित करा है? अभी तक कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो चलो एक बार मैं टेस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं साबित कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल अब तक तो रेडी हो गए होंगे अपने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पंजाब चाल की तरह ये बनाते हैं बीघा कुलचा। जी रेडी हो रहा है। ओए ओए ओए, ये डला कुलचा प्लेट पे, ऊपर से गर्मा गर्म छोले, काफी गाढ़े छोले और बढ़िया लग रहे हैं। लो जी रेडी हो गए। इसके ऊपर चटनी वटनी को डलेगी? ये प्याज। ओए ओए ओए, ये अपनी धनिया पुदीना इमले की चटनी, धनिया पुदीना इमले की चटनी, और ये चम्मच। सिरके वाले प्याज। ओए ओए, आज के टाइम पे रेस्टोरेंट वगैरह सिरके वाले प्याज नहीं देते, यहाँ पे सिरके वाले प्याज मिल रहा है। सिरके वाली मूली। लो जी सिरके वाली मूली भी, सिरके वाली हरी मिर्च, और सिरके वाली अदरक, सब कुछ सिरके वाला है जी। और ये रहा जी गाजर का अचार, ये तो नहीं सिरके वाला? नहीं। चलो एक बार भाई मेरे तो रेडी हो गए, एक बार मैं टेस्ट करता हूँ। चलो जी भाई, ये तो अपनी भीगा कुलचे की प्लेट रेडी होगी, एक बार मैं तोड़ता हूँ और टेस्ट करता हूँ। इसके ऊपर ना हरी पुदीने चटनी भी डल रखी है और प्याज भी डल रखे हैं। सिरके वाली मूली और अपना
सही बोलूं, पंजाब जैसा स्टाइल है भाई, पंजाब जैसा टेस्ट है। अगर आप पंजाब में नहीं हो, अगर आपको पंजाब जैसा बीघा कुलचा खाने का मन है, क्या दिक्कत है, दिल्ली में रहते हो, सुभाष नगर आओ, छत्रीगढ़ पार्क में बीघा कुलचा खा के जाओ, अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा भाई, सही बोलूं, वर्थ इट है। पंजाब जैसा उतना बिल्कुल सेम टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन मिलता जुलता तो है, बढ़िया। भाई मैं नहीं प्रूव कर पाया, इसमें तेल और दिया सही में बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप काबिल हो गए ना, आप भी नहीं बता पाओगे इसमें तेल और घी है, गल ही नहीं रखा कैसे बताओगे, अल्टीमेट है। यहाँ की आपको एक और खासियत बात बताऊं, जब भी आपने कोई भीगा कुलचा, अमृतसरी कुलचा कुछ भी खाया होगा ना, आखिरी में आपको दिया जाएगा भाई गुड़, माउथ रिफ्रेशिंग है भाई,